देखिए, सबसे पहले संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें भाग्यवान संतान दे। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर की प्रार्थना ही कामयाब होती है। अब आप कुंडली के ग्रहों का योग बताते हैं कि जिनको संतान में प्रॉब्लम आती है और सब कुछ टेस्ट होने के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं होती है, तो उसके पीछे क्या योग है कुंडली में ग्रहों का? देखिए, सबसे पहले पुरुष की कुंडली और स्त्री की कुंडली दोनों का पंचम भाव देखिए और लगन देखिए। लग्नेश और पंचमेश का स्वामी अगर बहुत अच्छी स्थिति में तो निश्चित उनको संतान होती है, यानी अगर उनको शुभ ग्रह देख रही हैं तो संतान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपको बताते हैं संतान में बाधा कैसे आती है उन लोगों को जिनका कुछ समय संतान गर्भ में रहती है और वो संतान गर्भ में ही खराब हो जाती है, यानी कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने में जिनकी संतान खराब होती है, सबसे पहले उनके विषय में योग बताते हैं। देखिएगा, स्त्री की कुंडली में सबसे पहले मंगल ग्रह को आप अध्ययन कराइए, क्योंकि मंगल हमारे गर्भाशय का मालिक है और हमारे ब्लड का मालिक है, संतान वहीं आके ठहरती है। अगर मंगल नीच का है या मंगल राहु की दृष्टि से है या मंगल शनि की दृष्टि से, तो वहाँ पर यह समस्या सबसे ज़्यादा आती है। या आपके पंचम भाव का स्वामी अष्टम से संबंध बना ले तो मिसकैरिज होने में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ये समस्या हमने वहाँ से पाई है। बाद में आपको बताएंगे कैसे उसका हल होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर किसी जातक को संतान का पूरे प्रयास होने के बाद नहीं हो रही तो वो क्या करे, ऐसा अद्भुत उपाय जिससे उनको संतान हो। देखिए, कृतिका नक्षत्र आप किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए और एक पूछ लीजिए आपका जन्म नक्षत्र और आप साथ में अपनी पत्नी का जन्म नक्षत्र। देखिए, 2 जन्म नक्षत्र और 1 कृतिका नक्षत्र, महीने में 3 हुए, ये हर 27 दिन पे आते हैं। 1 साल रेगुलर आप कृतिका नक्षत्र का व्रत करें और आप अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसके केतु बने, या किसी का जो भी नक्षत्र में जन्म हुआ, आप किसी साउथ इंडियन मंदिर में कच्चे दूध से गणेश जी का अभिषेक कराइए श्रद्धापूर्वक, और साथ में किसी गौशाला में ऐसी गाय उनसे पूछिए जो गाय गर्भ से हो, यानी कि संतान दे, उसका जो भी मंथ चल रहा हो वो गौशाला वाला आपको बता देंगे, उस गाय की सेवा श्रद्धापूर्वक कीजिए, आपको निश्चित संतान होगी। अब जिनका बहुत ज़्यादा मिसकैरिज होता है या संतान होने के बाद डेथ कर जाती है, काफ़ी ये भी केस हमारे पास आते हैं कि आचार्य जी बच्चा तो हुआ था परंतु रहा नहीं, वो जातक और जातिका महाकालेश्वर जाकर के आप बाबा के दर्शन करें, क्योंकि अष्टम भाव हमारा शमशान का है और वहाँ महाकालेश्वर में बाबा का जो अभिषेक होता है वो शमशान की राख से होता है। आप श्रद्धापूर्वक जाइए, दर्शन कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अगर वहाँ पर किसी भी कारण से कोई पाप ग्रह होगी तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। अब आपको एक अद्भुत उपाय और बताते हैं। आप किसी भी गरीब निर्धन बच्चे परिवार का आप डिलीवरी के टाइम पे जो खर्चा आता है वो दे दीजिए, उस जच्चा बच्चा का पालन कर दीजिए, या उस जच्चा बच्चा को जो भी हॉस्पिटल खर्चा है वो दे दीजिए, या उनको वस्त्र भेंट कर दीजिए। देखिएगा, आपके घर में बहुत जल्दी संतान होगी। ये सभी उपाय आपको बताए हुए, अजमाए हुए बताए जा रहे हैं। आशा है विषय समझ में आया होगा। आप सभी को नमस्कार।